मेरे साथ अनिरुद्ध जुड़ चुके हैं जो कि अभी अभी बंकर से बाहर निकले। अनिरुद्ध, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप और आप सभी आपके फ्रेंड सब लोग सेफ हैं। आप यूक्रेन के कौन से पार्ट में हैं, अभी क्या हालात हैं? अनिरुद्ध, कैन यू हियर मी? क्या आप सुन सकते हैं मुझे? अनिरुद्ध, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अनिरुद्ध के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सीधे चलूंगा अतुल सर के पास। अतुल सर, क्या ये खाली रिटोरिक्स हैं न्यूक्लियर वॉर की जो बातें चल रही हैं, या जिस तरीके से चीजों को दिखाया जा रहा है, या देयर इज समथिंग मोर टू इट? निशांत, ये जो न्यूक्लियर वॉर की बात है वो इट विल बी अ कंप्लीट पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर एंड मच मोर फॉर रशिया। वो तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ऑप्शन जो है बियॉन्ड थ्रेट्स के जा सकती है। मतलब वो मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव्स है रशिया के, जो दो ऑब्जेक्टिव्स पुटिन ने कहा है, एक तो डी नाजीफाई द रिजीम और न्यूट्रलिटी ऑफ यूक्रेन, दो ऑब्जेक्टिव्स मीट करने। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को अगर जोड़े न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करें तो ये ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। तो मुझे ये और आपको पता है कि एक बार न्यूक्लियर अटैक होता है, हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ है, तो जनरेशन तक उसको याद रखते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा रशिया में डेस्परेशन है इस वक्त के न्यूक्लियर ऑप्शन को करें। तो पहली बात ये है। अंडरस्टूड। और दूसरी बात है क्विकली, एक दो ऑब्जेक्टिव्स जो है न्यूट्रलिटी ऑफ यूक्रेन, ये पुटिन ने कह दिया है कि वो चाहते हैं कि नेटो फोर्सेज वहां, तो एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वो है। दूसरा, जो 2014 के बाद जो रेजिम चेंज हुआ था मैदान स्क्वायर की, जो हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया गया था और रूस का कहना है कि न्यो नाजी ग्रुप्स उसमें आए थे। तो एक रेजिम चेंज की बात अब पुटिन कर रहे हैं, रिवर्स रेजिम चेंज। ये तो दो ही क्रिटिकल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जी, न्यूक्लियर ऑप्शन यही लगता है रडार में जी। आप जो बता रहे हैं सर, मैं एक बार यहां पर बहुत तेजी से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जरा ध्यान से देखें, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है सीधे प्ले ऑन करें। पुतिन का प्लान जो है, जितने भी दर्शक हैं ये जरूर देखना चाहिए, यू मस्ट सी दिस नाउ पर। पुतिन का प्लान फिक्स, 4 महीने पहले लिखी गई थी स्क्रिप्ट, नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जूम इन करें इस पर, मेरे जो कैमरामैन है सावन जी, जरा इसको जूम इन करें। पुतिन का प्लान फिक्स, 4 महीने पहले लिखी गई थी स्क्रिप्ट, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, मेरे पास कुछ और विजुअल्स अभी आ रहे हैं लोगों के एक्सोडस के पोलैंड की तरफ। मैं चाहूंगा मेरी टीम वो बहुत जल्दी आपके सामने विजुअल्स और ब्रेकिंग लेकर आने वाली है, बहुत बड़ी खबर मैं ला रहा हूं। लेकिन उससे पहले ये देखें, बेलारूस क्रूज, ये देखें आप किस तरीके से बेलारूस, दे लिसन टू देम ओनली, यहां पर फौज है। ये देखिए पहला घेरा बेलारूस, बेलारूस से कीव सबसे नजदीक है, वहीं से अटैक भी हुआ अगर आपने देखा हो। जूम इन करें प्लीज इस ब्लॉक पर, जिससे कि हमारे दर्शकों को समझ में आ पाए। यहां पर बेलारूस, और ये देखें आप किस तरीके से लुहांस डोनेस डोनोबास, वो जो इलाका है यहां पर बेलारूस में, रूस के 30,000 सैनिक तैनात थे वहां से। राहुल बीच में यह भी टेक्स्ट दिखाना हमें, नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। अब क्या हो रहा है, अगला मूवमेंट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। पहला घेरा बेलारूस था, फिर जंग का ऐलान होते ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में एंट्री ली। ये देखें आप किस तरीके से यूक्रेन में एंट्री ली, बेलारूस से निकले सैनिक कीव के पास पहुंच चुके हैं। बेलारूस बहुत नजदीक था, ये डायवर्जन क्रिएट किया गया। फिर दूसरा, वो रूसी सेना बेलगोरोड से आई, पूर्वी यूक्रेन जो बेलगोरोड का इलाका है वहां से, और 2014 से ही लुहांस और डोनेस पर अलगाववादियों का कब्जा था, वो यहां पर था, लेकिन यहां पर बेलगोरोड है, ये अलगाववादी रूस समर्थक हैं और यूक्रेन से आजादी चाहते हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। दूसरा घेरा पूर्वी यूक्रेन से, पुतिन ने पहले दोनों राज्यों को आजाद देश का दर्जा दिया और फिर उसके बाद पुतिन ने शांति के नाम पर सेना भेज दी यहां पर, और ये सेना बहुत पहले जा चुकी थी जो मूव कर रही थी। जंग का ऐलान होते ही रूसी सेना बेलगोरोड से दाखिल हुई, ये देखें आप, ये यहां से दाखिल हुई। खारकीव और केरमचुक पर हमले शुरू कर दिए गए। खारकीव बेसिकली इसका पहले कई जमाने पहले बताते नाम था खोरकीव, यहां पर और नाइपर नदी तक रूसी सेना पहुंच चुकी है और जहां पर जंग चल रही है। यह एक बहुत बड़ा एरिया है, अगर मैं थोड़ा राहुल इसको बीच में जूम इन करके दिखाएं, नाइपर नदी जो है यह एक अपने आप में कीव के लिए एक बहुत बड़ा फोर्ट है। नाइपर नदी से अगर ये लोग इस तरफ बहुत इजिली आ गए, यहां पर इनको रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन अगर ये बहुत इजिली जैसे कीव के अंदर आ गए, लेकिन यहां पर इस नदी को अगर ये पार करके और ये रेजिस्टेंस को और न्यूट्रलाइज करते हैं, देन इट इज ऑल ओवर। फिर नेक्स्ट, दूसरा घेरा हमने आपको दिखाया, चेंज करें यहां पर, जो हमारे पास ग्राफिक्स है वो यहां पर, ये किस तरीके से क्रीमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है और यहां पर इनके सैनिक जो है तैयारी कर रहे थे।
तैनाती थी यहां पर, जैसे बेलारूस और क्रीमिया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखें जरा, राहुल जूम इन करें, बेलारूस और क्रीमिया यहां दोनों जगह पर अगर बात की जाए तो इनके सैनिक ऑलरेडी पोजिशन थे और पोजिशन होने के बाद वो यहां पर वॉर ट्रेनिंग कर रहे थे। ये जो इलाका देख रहे हैं आप ब्लैक सी, इस ब्लैक सी से इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की कीव पर शिप से अपने। नेक्स्ट जूम आउट करें, क्रीमिया में बड़ी संख्या में रूसी सेना के सैनिक तैनात थे। चेंज इन करें इसको यहां पर, जंग का ऐलान होते ही रूसी सैनिक क्रीमिया से दाखिल होने लग गए, हम सब ने यह देखा। रूसी सैनिक कीव की तरफ बढ़ रहे हैं, यह हमारे को पता है। नाइपर नदी पूर्वी में, पूर्व में यूक्रेन की सेना के फंसने का डर, और पूर्व यहां पर पूर्व यूक्रेन में पहले से रूसी सेना और अलगाववादी मौजूद हैं, अलगाववादी मौजूद है ब्लैक सी में, मौजूद रूसी नेवी जो है जैसा मैंने आपको बताया टारगेट लगातार टारगेट कर रही है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, पुतिन का जो प्लान है वो यहां पर, यूक्रेन पर हमले का ब्लूप्रिंट 4 महीने पहले पुतिन ने तैयार किया। नंबर वन, 4 महीने से यूक्रेन को 3 तरफ से घेरने की प्लानिंग थी, सेना तैनात थी, रूस ने सैन्य अभ्यास के बहाने युद्ध का साजो सामान तैनात किया पूरी तरीके से, लुहांस और डोनेस के बहाने युद्ध का ऐलान कर दिया। बेलारूस कीव सीधे दिखा यहां पर, बेलारूस कीव क्रीमिया नाइपर नदी यूक्रेन रूसी सेना अलगाववादी, ये देखें आप किस तरीके से, ये जो पॉइंटर्स हैं आपके पास, बेलारूस यहां पर अलगाववादी ऑलरेडी मौजूद थे, रूसी सेना यहां से एंटर करती है, यहां से एंटर करती है, यहां से एंटर करती है, और एक जगह जो हम इग्नोर कर रहे हैं मोल्डोवा में भी, मोल्डोवा में भी उनके कई सारे सैनिक तैनात हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।